हे मानव बंधुओं, मैं अपने में से ही स्वेच्छापूर्वक जो कुछ भी विगत के वांग्मयों को समझा, इसमें और किसी का दबाव नहीं रहा। समझने के बाद और मेरा एक कामना हुई, क्या होना चाहिए धरती, उसके लिए मैं अपने में से ही एक उद्गार पाया, वो है भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो। ये लिखा हुआ आपने देखा है, भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवता, धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदय। ये लिखी हुई पट आप लोगों ने देखा। ये कैसे उद्गमित हुआ, इसका पृष्ठभूमि मैं आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। पृष्ठभूमि इस प्रकार रही, ये शरीर यात्रा किसी एक परिश्रमी सेवावादी धर्मपरायण आर्षेय धर्मपरायण परिवार में हुआ। ये तो आप सब विदित हैं, हर मानव संतान किसी न किसी माँ बाप के कोख में होता ही है, किसी न किसी धर्म परस्त होता ही है, किसी न किसी राज्य संविधान को स्वीकारा ही रहता है, परंपरा में प्राप्त शिक्षा में अर्पित होता ही है, नहीं अर्पित होता है शिक्षाविदों के अनुसार चलकर देखता है। यही आज तक की परंपरा की बात रहे। उसी विधि से मैं भी जहाँ से शुरू किया, जिस परिवार में शुरू किया, यही सबसे गुजरने लगे। इसमें से रूढ़िगत बात जो परंपरा में, जो इनके साथ बैठो इनके साथ नहीं बैठो, करो ना करो, और ये सब बातें शुरुआत जब से किए, इन रूढ़ियों से हमारा मन भरा नहीं। कुल मिला के ये बचपन की ही बात रहे। पहले पहले लोग ये बचपन की बात है ऐसे ही बुजुर्ग भी सोचते रहे, कुछ दिनों बाद वो बदलने लगी, दृष्टियां मुद्रा भंगिमा त्योरी सब बदलने लगे। लगा मुझको कि हमारे बुजुर्ग हमसे प्रसन्न नहीं है। ये पहला हमारा दुख का कारण ये बना। इनको प्रसन्न भी कैसा किया जाए भाई, जैसा ये कहें वैसे ही करें तो भी हम कसौटी लगाने लगे, क्या यह सब दिन सब समय क्या ये प्रसन्न है, ऐसा मुझको दिखा दे। मुख्य बात यहां से है, जब हमको ये लगवे नहीं किया कि हमारा बुजुर्ग हमको जैसा करो जैसा नहीं करो कहते हैं, वैसा खुद तो करते ही हैं, नहीं भी करते हैं, किंतु ये सब दिन से क्या प्रसन्न है, ऐसा पूछा तो ऐसा नहीं हुआ। जबकि उनसे ज्यादा जो आर्षे वांग्मय के विद्वानों को कहीं पाया नहीं जा सकता, पाया जा सकता है तो उतने ही उच्च कोटि के विद्वानों को पाया जा सकता है। ऐसे सब स्थितियां होने के बाद हम हमारे में ये निर्णय कर लिया, किसी भी विधि से रूढ़ियों को तो मानना ही नहीं, ये एक प्रकार से प्रतिज्ञा सी होने लगी। और उसका कारण दूसरा जुड़ गई तो हमारे बुजुर्गों ने हमको समझा नहीं पाते थे। कुल मिलाकर इतने ही रहा, जितना बार वो विफल होते रहे उतना ही हमारा अहमता बढ़ता गया। ये हमारा अहमता बढ़ने की बात और जो रूढ़ियों से ना जुड़ने की बात, ये सब चीज एक साथ चलती आई। इस क्रम से चल के हम क्या करता, अब बड़ों ने बुजुर्गों ने ये दावा करने लगा, ये कुछ समझा नहीं है, वेदांत को समझा नहीं है, वेद को समझा नहीं है, शास्त्र को समझा नहीं है, दर्शन को समझा नहीं है, ये अपने आप में स्वयंभू के रूप में ये हर रूढ़ियों को हर बातों को ना करो करो बातों को नकारता है, ये कहाँ तक ठीक है। इस मुद्दे पर बुजुर्गों ने जब चिंता व्यक्त करने लगे, वह हमारे लिए भी दूसरा दर्द का कारण बना। मैं अब क्या करता, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा तो मैं आर्षे
ग्रंथों के अनुसार वेदांत को समझा, उसी को सर्वोपरि मानते थे। पहला भूमि है वेदांत माने वैदिक विचार का कर्म। कर्म उस चीज को मानते हैं वैदिक विचार के अनुसार जिससे स्वर्ग मिलता है, उसको कर्म मानते हैं। बाकी सबको और कुछ कहते हैं। उपासना उसको कहते हैं जिसमें इंद्र बनना हो, चंद्र बनना हो और कुछ देवी देवता बनना हो, उसके लिए जो उपक्रम है उसको वे उपासना कहते हैं। तीसरा शीर्ष भाग में यही कहते हैं ज्ञान ही सर्वोपरि वस्तु है। ज्ञान क्या है पूछा, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म क्या चीज है पूछा, तुम समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो फिर बाद में हम कैसे पार कैसे पाएंगे। पार इस प्रकार से पाएंगे जो बुजुर्गों ने करो ना करो कहें इसी विधि से पाएंगे। यहां हम बुलाए क्या करें भाई, तो क्या होगा, होगा ये तुमको समाधि मिलेगा, समाधि में सब प्रश्न का उत्तर मिलता है। ये आश्वासन हमको बुजुर्गों से मिला, उसके आधार पर मैं भी अपने को मन सुदृढ़ किया। कुछ भी हो एक बार समाधि की स्थिति को देखना ही है, और कोई बात बनती नहीं है। ना हमारा कोई दावा का मतलब है, ना करो ना करने का कोई मतलब नहीं है, करो का भी मतलब नहीं। एक बार हमको अपने प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। वो प्रश्न का उत्तर के वो प्रश्न इस प्रकार से बना वेदांत को हम भले प्रकार से सुनने के बाद, पहले तो ये बना ये बंधन और मोक्ष दो बात शुरू करते हैं। मायावश हम बंधन में रहते हैं ऐसा वो कहते हैं। तो मैंने मोक्ष जो है ब्रह्म में आत्मा विलय होने की बात करते हैं। आत्मा कहाँ से आया तो बोलते हैं जो जीवों के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करता है, ये बताते हैं। ये बताने के बाद कई को बैठ गया, जबकि जीव जब मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से माने स्वर्ग नरक से यदि मुक्त होने के लिए यदि आत्मा ब्रह्म में विलय होना ही है, पहले जब जीव हुआ था उस समय में तो उनमें कोई आत्मा नहीं था, फिर ब्रह्म उसके अंदर घुसने की क्या जरूरत थी। क्या ब्रह्म ज्ञान यदि परिपूर्ण है, वो ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म में ही वो चीज नहीं है तो क्या होगा। ऐसा हमारा वितंडावाद जैसा हुआ उसको वितंडावाद नाम दिया, क्योंकि हम जो बुजुर्गों के ध्वनि से ध्वनि मिलाते नहीं रहे, इसलिए हमको एक वितंडावादी नाम दिया। उससे हम कोई पीड़ित नहीं हुआ। आप लोग ऐसे ही समझते हैं ठीक है, किसको इसका उत्तर क्या है, हम वितंडावादी हैं, इसका उत्तर तो आप प्रस्तुत करोगे। उसका उत्तर नहीं मिला। उसके बाद यही कहा जो तुम्हारा ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भी वो समाधि में ही मिलेगा। अब क्या करें, समाधि के लिए हम तत्पर होने के लिए शनि शनि तैयार हुए। हमारा मन धीरे धीरे बनता रहा। ये संभवतः ये सन 44 से शुरुआत हुई और 46 तक इस समय में हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद और एक स्थिति बनी, देश में स्वराज्य आएगी इसकी संभावना बलवती हुई। उस ओर भी हमारा ध्यान थी। उस आधार पर सन 47 में स्वराज्य की बात, सत्ता का हस्तांतरण हुई जैसा हम लोग आशा करते थे। उसमें भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे, चिंतनशील थे, विचारशील थे, उनके बातों को भी सुनते रहे और उनमें भी कुछ व्यतिरेकाई, पहले की बाद की सफलता के दिन तक की बहुत सारे व्यतिरेकाई, उसमें भी हम पीड़ित हुए। उसके बाद और एक आशा लगी, अब हमारा एक संविधान बनेगी, उसमें शायद है सही मनुष्य का मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी, ऐसा हम सोचता रहा। मैं अपने तरफ अपने से ही अपने स्वयंस्फूर्त विधि से सोचता रहा। हमारे साथ और भी मित्र थे, वो भी ऐसे ही सोचते रहे। हम लोगों का ऐसा 2-4-10 व्यक्तियों का ऐसा मन थी, तो ये संविधान से कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलेगा। संविधान की जब रचना हुई, संविधान समिति मिली, उनसे संबंधित जितने भी लेखा जोखा जो पेपरों में आती रही उसको मैं ध्यान से सुनता रहा, समझने की कोशिश करता रहा। सन 50 तक की सारे बात जितने भी पेपरों में आई उसके अनुसार हमारा मन में ये आ गई कि इस संविधान के तले कोई सही आदमी का मूल्यांकन नहीं हो सकता। उसका आधार ये बना
सही आदमी का कोई चरित्र ही निरूपित नहीं हुआ जिसको हम राष्ट्रीय चरित्र कह सके। इस आधार पर ये निर्णय हमको मिल गए। अब क्या किया जाए? पहले से ये संकट था ही, वेदांत और समाधि, समाधि में ये सब उत्तर मिलना, ये जो पहले से हम सुन रखा था उसको भी उसी में जोड़ लिया। समाधि में ही इसका भी उत्तर मिलेगा, इसमें किसी बड़े बुजुर्ग उनके इनके साथ तर्क करने की जरूरत नहीं। मिलता होगा तो सबका जवाब मिलेगा, नहीं मिलता है तो एक शरीर यात्रा भूरसी में अर्पित है, ऐसा हम अपने में निर्णय लिए। उसके अनुरूप जो एक व्यक्ति तैयार हो गई वो है मेरे धर्म पत्नी। मेरे इस विचार से एक ही व्यक्ति तैयार हुआ, तीसरा व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। एक ही व्यक्ति तैयार हुए वो हम अमरकंटक को एक ऐसे स्थली, पावन स्थली, नर्मदा जी का उद्गम स्थली, ये सब सुनते ही रहे। उस पावन विचार के आधार पर हो ना हो वहीं जाकर के क्यों ना ये प्रयत्न किया जाए, अंतिम प्रयत्न। ऐसा सोच करके अमरकंटक में आकर हम हमारे ढंग से एक तरीके से उसको, उसका नाम है आगम तंत्रोपना तंत्रोपासना विधि। उस विधि से समाधि की एक तरीका बताई गई है, वो है कुल मिलाकर के बहुत सारे देवी देवताओं को अपने शरीर में स्थली स्थली में देखने की बात है, अपने ही कल्पना से देखने की बात है, पूजा पाठ करने की बात है। ऐसे ही जो अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो कुछ भी हम कल्पना करते हैं, यहाँ ये देवता है वो देवता है, इस क्रिया का नाम दिया है न्यास। उसके मूल में ये सूत्र दिया है देवो भूत्वा देवा न्यजित, तुम स्वयं देव रूप होकर के ही तुम देवताओं का आराधना करोगे, इष्ट देव का आराधना करोगे, ये बात मुझको बताई गई थी। उसके साथ ईमानदारी से उसी प्रकार करने के लिए हम तत्पर हुआ। उसमें जैसा बन पड़ता था वैसा करता रहा, यही कहना बनता है। करते करते एक दिन ऐसा आया कि हम देवी देवताओं से की सान्निध्य से मुक्त हो गए। मुझको ऐसा लगने लगा मैं हूँ, ये बोध था। हमारे पास कोई विचार नहीं था, पूजा करने की विचार नहीं था, स्तुति करने की कोई विचार नहीं था, आराधना करने की कोई विचार नहीं था, ना हमको पाना है कोई चीज़ ऐसा भी कोई विचार नहीं था, हमारे पास कोई चीज़ है ये भी विचार नहीं था, हमको कुछ करना है ये भी कोई विचार नहीं था। इतनी ही बात, छोटी सी बात, ये घटना हुई। ये घटना होने के कुछ घंटों बाद, मैंने कुछ घंटों तक यही स्थिति रही। उसके बाद जैसा ही मुझको लगा कि हमारा शरीर का बोध हुआ, समय का बोध हुआ और स्थल, मैंने स्थल का बोध हुआ, ये तीनों का जब बोध हुआ तब हमको पता लगा कि ये तीनों को हम बोध ही नहीं रहा, जो हमारे पास जो विचार ही नहीं था, ऐसा भी ये मुझ में मुझको विश्वास हुआ। यह होने के बाद मैं सोचने लगा मुझको समाधि स्थिति आ गई। उस समाधि स्थिति को हर दिन दोहराता रहा, कई घंटों तक दोहराता रहा, यह प्रतीक्षा करता रहा अभी इसका हमारा प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, किंतु बरसों प्रतीक्षा करने के बाद वो प्रश्न का उत्तर मिला नहीं। यह दूसरा विफलता आई, अब क्या करें, अब वेदांत को समझने से समझ में नहीं आया, कोई उत्तर मिला नहीं, और तो समाधि के बाद उत्तर मिलेगा ये मैंने ये भी उपनिषद भी कहता है और बुजुर्ग हमारे सामने जीता जागता बुजुर्ग लोग भी कहते रहे, किंतु वो भी नहीं मिला। हमारा परिवार में ही जो सर्वोपरि विद्वान वो कुछ बता नहीं पाते हैं, अब कहाँ जाए, अब किसी के ऊपर आरोप लगाने की कोई जगह ही नहीं रहा। इस शिकंजे में हम अपने ढंग से रहे, चाहे हंसते रहे चाहे कराते रहे, जैसे भी ऐसे रहते रहे। रहते रहते एक दिन ऐसा रहा, ऐसा मन में आया कि भाई वाक्य में समाधि की बात तो सुना था, हमको ये विश्वास भी हुआ समाधि हो गया, किंतु समाधि ये है, इसको कैसा हम दूसरों को बता पाऊं, इसको हम कैसा सुदृढ़ कैसा मानो, ये प्रमाण क्या मानो, इसमें बताने की कोई चीजें नहीं है, बताने की चीज नहीं है तो हम प्रमाण क्या प्रस्तुत करेंगे। ये संकट गहराया, गहराया तो स्वाभाविक था, ये हमको समाधि हुआ कि नहीं
इसको आजमाने के लिए मैंने संयम नाम की एक क्रिया किया। ये भी इशारा पूर्वजों से ही मिली थी, ये पतंजलि योग सूत्र में उल्लेखित है। उसमें लिखा है धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्रत्वात् संयमः, ये लिखा है, उसको कोई भी मेधावी व्यक्ति पढ़ के देख सकता है। उस संयम के बारे में कुछ भी लिखा हमको वो कोई बोध नहीं हुआ, अपने ढंग से हम एक समाधि का एक चित्र बनाया, तरीका बनाया, उस तरीके से हम संयम किया। संयम करने का फलस्वरूप तो जर्रा जर्रा अस्तित्व हमको हमारे सामने दिखना शुरू किया। उसको दिखने का मतलब में मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमको समझ में आया माने देखा, समझ में नहीं आया माने नहीं देखा। इस अर्थ में देखने का शब्द मैं प्रयोग करता हूं, तो देखने का मतलब समझना ही है। तो एक परमाणु से लेकर एक इतने बृहद धरती तक की क्या क्या प्रक्रिया से गुजरी हुई उसको हम क्रमवत देखा है, विधिवत देखा है, उसको हम आपको बोध करा देते हैं। यह स्थिति मुझमें स्थापित हुई। इसी के साथ परमाणुओं के कतार में ही एक परमाणु को ऐसा देखा, जीवन को देखा, वो जीवन परमाणु मुझमें आप में आज पैदा हुआ एक आदमी में शरीर छोड़ा हुआ जीवन में के स्थिति में ये सब समान रहते हैं। शरीर को छोड़ करके भी जीवन रहता है और शरीर के साथ भी रहता है। शरीर के साथ क्यों रहता है उसको पूछा जाए तो आगे प्रसंगवश मैं बताऊंगा। इतने इस जगह में हम देखा कि शरीर के माध्यम से जीवन अपने को प्रमाणित करना चाहता है, इतने ही सूत्र है इसका। इस जीवन क्या प्रमाणित करना चाहता है भाई, उसका उत्तर यह मिला, जीवन पहले जीना चाहता है, उसके बाद तो जीने के साथ साथ सुखी होना चाहता है, सुखी होने के साथ साथ प्रमाणित होना चाहता है। ये तीन स्थितियां हैं। उसमें से जो पहला स्थिति है जीना चाहते हैं, वो जीव कोटि में ही पूरा हो जाता है। जैसा ही जो सुखी होना चाहते हैं और प्रमाणित करना चाहते हैं, ये मानव कोटि में ही पूरा होता है और कहीं पूरा होता नहीं है। इसको मैंने भले प्रकार से देखा, ये एक बहुत संतुष्टि की जगह मुझको मिली। उसके बाद उसी के चलते सुखी होने के लिए जो सूत्र रहा व्यवस्था में जीना, ये भी देख लिया। ये जितने भी जड़ संसार है जिसको हम आज कहते हैं पदार्थावस्था प्राणावस्था, जितने भी ये खनिज व संसार है उसका ठोस तरल विरल स्वरूप है, और जितने भी प्राण कोशाओं से बनी हुई रचनाएं हैं जिसके मूल में बहुत सारे रस रसायनों का अनुभव हुआ है मानव जाति को, और भी जो करना है करते रहेंगे, तो इससे रचित सभी वस्तुओं का जो संयोग से ही कुल मिलाकर के शरीर रचना की बात देखी, भौतिक रासायनिक वस्तुओं से ही ये जीव शरीर भी बनता है, मनुष्य शरीर भी बनता है, तो इन शरीर में जो अंतर मैंने देखा जीव शरीर मनुष्य शरीर की, वो ये है कि मनुष्य शरीर रचना में ही मेधस तंत्र समृद्ध हो पाता है। समृद्ध होने का मतलब यह है जीवन बहुमुखी विधि से अपने को प्रमाणित करने योग्य मेधस तंत्र बना रहता है, इसको मैंने सटीक देखा है। इसमें कोई कोना मुझसे बच करके तो नहीं रहा है। यह सब देखने के बाद मुझको ऐसा लगा जीव कोटि बिल्कुल अपने में व्याख्यायित है, अपने में परिभाषित है, अपने में व्यवस्थित है। वैसे ही मानव भी अपने में परिभाषित है और व्याख्यायित है, और इस ढंग से जीने पर आदमी को सुखी होना बन जाता है, ये भी हमको पता लगा। इसी के साथ साथ वो भी उत्तर मिल गई वाक्य में, मोक्ष क्या है बंधन क्या है, जिस बात के लिए हम चले थे उसका उत्तर इसी जगह में मिल गए। कैसे मिल गए भाई, जीवन जो है
स्वयं मनुष्य जो है ना, क्या प्रमाणित करना है? पहले बताया सुख को प्रमाणित करना है, ठीक है? सुख को प्रमाणित करने की जगह में वो क्या होना पड़ता है? समझदार होना पड़ता है। मनुष्य समझ करके वो व्यवस्था को प्रमाणित करेगा और सुख को प्रमाणित करेगा, दूसरे विधि से कर नहीं पाएगा। मैं स्वयं साधना करता रहा, सब लोग कहते रहे, कहते भी रहे, बड़ा नियम संयम ही बड़ा सटीक रहता है आदमी, सब उमड़ उमड़ करके हमको देखने आते थे तो, किंतु मैं गवाही कर रहा हूं, हम कोई भी, हमारा मानसिकता में कोई संयम नहीं रहा जब तक हम समाधिस्थ नहीं हुए, तब तक मुझ में कोई संयम नहीं रहा मानसिक रूप में, यह सच्चाई है। जब हम, हमारे में इतनी बात रही एक प्रकार से कि हम यदि साधना करना है और कोई उठपुटांग हम नहीं कर सकते, उठपुटांग बात हमारा मन में ना उपजे ऐसा कोई बात नहीं थी। यदि यह सच्चाई है मैं जो गुजरा हूं, तब तो इसके आधार पर हम इस दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक आदमी समाधिस्थ नहीं होगा तब तक उठपुटांग विचार ना आए ऐसा कोई कायदा अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए जो व्याकुलता की बात, मैंने, मनुष्य स्वयं नहीं चाहता है कोई उठपुटांग बात हो मन में आवे, ये कोई आदमी नहीं चाहता है। साधना करने वाला तो कोई चाहता ही नहीं है, मेरे अनुसार मैं भी नहीं चाहता रहा, होता जरूर रहा। ये स्थिति में यही संकट मेरे अनुसार सभी साधकों के सामने गुजरता है। इसी से जो साधक जो है जब तक सह पाता है, झेल पाता है झेल पाता है, जब झेल नहीं पाता है झेल नहीं पाता है, सह नहीं पाता है सह नहीं पाता है, यही मैं कह सकता हूँ, यही इसका समीक्षा है। अब जब इस मुद्दे का उत्तर मिल गया, क्या चीज बंधन और मोक्ष, बंधन क्या चीज है, मनुष्य जो है ना समझदार होकर के जीना है, मुख्य बात यह है, तो नासमझी से, नासमझी क्या है, पशु जीवन जैसा, जानवर जैसा जीता है, जानवरों के क्रियाकलापों को हम एक मॉडल मान लें, उसी को एक कसौटी मान लें, उसी को एक प्रमाण मान लें, उसके अनुसार यदि हम जीने के लिए प्रवृत्त होते हैं, स्वाभाविक है हमारे लिए तो भ्रम हो गए, क्योंकि हम समझदार होकर के जीना है और ना समझी से जीने के लिए हमको परंपरा मजबूर कर दिया। उसका प्रमाण है कि कामोन्मादी मनोविज्ञान, भोगोन्मादी समाजशास्त्र और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, ये तीनों चीज दुकान सजीवी है। अब इसके बीच में चलता हुआ हर अभिभावक अपने बच्चे को बहुत अच्छा बने, श्रेष्ठ बने, संस्कारी बने, सुंदर बने, सुखद बने, समाधानित हो, ऐसा आशीष करते हैं। मैं समझता हूँ हर अभिभावक किसी न किसी कोने से यही आशीष किया करते हैं, इसको भी हमने देखा है। अब इसका इसका तालमेल कहाँ है, हम जो बच्चों को हम जो सिखाते हैं पढ़ाते हैं उसका, और जो हम आशीष करते हैं उसका तालमेल कहाँ है, ये कहीं दिखा नहीं। तो तब हमको वो जो दूसरा भाग थी, राष्ट्रीय चरित्र, संविधान, इसके मुद्दे में उसका भी उत्तर मिल गया। क्या मिल गया भाई, अस्तित्व में हर एक अपने त्वासहित व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है, ये चीज मानव में आने के लिए रास्ता मिल गए, मानव का परिभाषा मिल गई, मानव शुद्धता जागृत मानव का एक परिभाषा मिली, उनका कार्य व्यवहार का स्वरूप मिली, उस कार्य व्यवहार को हम सूत्रित करते हैं, व्याख्यायित करते हैं, यही समाजशास्त्र या संविधान कहलाता है। संविधान का व्याख्या देने पर ही समाजशास्त्र है, मानव का आचरण को बोध कराना ही समाजशास्त्र का मूल वस्तु है, यह हमको समझ में आ गए। इस ढंग से क्या हुआ, दोनों मुद्दे पर हमको उत्तर सहज रूप में मिली कि मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान से, संविधान के रूप में राष्ट्रीय चरित्र को हम पहचान सकते हैं, ये विश्वास मुझ में हुई। उसके बाद यदि हम भ्रम मुक्त हो जाएं, भ्रम से, भ्रम का मतलब है जीवों के सदृश ना जिया जाए, मनुष्य के सदृश ही जिया जाए, यही भ्रम से मुक्त होने का मतलब नहीं है,
ना कि कोई हिमालय को उधर से इधर नहीं करना है, ना बर्फ को पत्थर नहीं बनाना है, पत्थर को ना पानी बनाने जाना है, ना शाप किसी को देना है, ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना चमत्कार करना है, ना सिद्धि दिखाना है। अस्तित्व में ना जो कोई चमत्कार है ना कोई सिद्धि है, इसको हम सटीक देखा है। अस्तित्व में कोई सिद्धि नहीं, अस्तित्व में कोई चमत्कार नहीं। अस्तित्व अब शाप और इसके बीच में करहता हुआ आदमी, शाप और अनुग्रह के आशीर्वाद के बीच में करहता हुआ आदमी आज भी करोड़ों 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 है, पहले से है, सभी है, रहा है। तो उसका ये कि उत्तर मिला, जिस क्षण में भी हम जागृति के लिए जिज्ञासु होते हैं, हमारा कदम जागृति की दिशा में एक भी कदम बढ़ती है, उसी मुहूर्त में संपूर्ण शाप ताप पाप तीनों ध्वस्त हो जाता है। उसका कोई माने स्थान ही नहीं रह जाता है, उसका कोई भी कलंक भी नहीं रह जाता है। वो कैसे होता है, इसको इसका उत्तर गणितीय विधि से मिला। जैसा गणित को हम हजार बार गलत किए रहते हैं, हर बच्चे करते ही हैं, अब कोई 10 बार करते हैं, कोई 1000 बार करते हैं, गणित को तो गलत करते ही हर बच्चे करते हैं। जब सही करना आ जाता है वो जीवन भर के लिए सही होती है, गलत करना रहता है वो एक बार जैसा गलती करते हैं दोबारा वो गलती करते ही नहीं, दूसरे ही करते हैं। उसको भी प्रमाण रूप में हम देख सकते हैं। 1 करोड़ बच्चों के लिए गणित का प्रश्न दिया जाए, उत्तर देते हैं तो 1 होता है, गलत होते हैं तो करोड़े होता है, और भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा बना रहता है। इसको हर सामान्य व्यक्ति भी इसको सर्वे कर सकते हैं। इस ढंग से हम और एक सूत्र पा गए, हम मानव सही में एक हैं, गलती में अनेक। कितना छोटी सी बात है, इसको तो हर व्यक्ति पाया जा सकता था महाराज, वो किए नहीं, उस पर परिश्रम नहीं किए। कैसा परिश्रम नहीं किए, उसका आगे भूमि में आता है। ये जब अस्तित्व को देखा, महिमा संपन्न एक सूत्र हमको मिले। क्या मिली भाई, अस्तित्व में 2 ही प्रजाति की वस्तु है, एक एक के रूप में हम गिन सकते हैं, एक ऐसा बहुत बड़ा राशि है, दूसरा सर्वत्र एक सा फैला हुआ एक वस्तु है, जिसको हर व्यक्ति एक क्षण में समझ सकता है। ये वस्तु एक वस्तु के अंदर घुला हुआ, डूबा हुआ, घिरा हुआ, भिगा हुआ देखा गया। एक एक के रूप में जितने भी वस्तु है, इसका नाम प्रकृति कहा जा सकता है, या और कोई नाम रख ले, क्या बुरा है इसमें, कोई भी नाम रख ले। रख करके देखने पर ये एक एक के रूप में जितने भी हैं, जड़ चैतन्य वस्तु, चैतन्य वस्तु का मतलब जीव कोटि मनुष्य कोटि, ये दोनों मिलकर के चैतन्य कोटि, और जो जड़ कोटि का मतलब पदार्थावस्था प्राणावस्था, जो प्राण कोशाओं से बनने बिगड़ने वाली संसार, और जितने भी खनिज पदार्थों से जो संगठित विघटित होने वाले पदार्थ, ये सब पदार्थावस्था में है। ऐसे वस्तुएं जितने भी हैं, ये इन सभी वस्तुएं व्यापक वस्तु में भिगाई है, घुला ही है, मैंने डुबाई है और घिराई है। इसको हम सटीकता से देखा, पता लगा अस्तित्व जो है ना तो व्यापक वस्तु से एक एक वस्तु अलग होने की व्यवस्था ही नहीं है, अस्तित्व में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। अस्तित्व में जो प्रावधान नहीं है वह आदमी पैदा कर नहीं सकता। अस्तित्व में जो कुछ भी प्रावधान है, उपयोगिता को छोड़कर दुरुपयोगिता की ओर करता है, कुछ भी उपलब्धि करते हैं, जैसा युद्ध के लिए हमने बहुत सारा चीज प्रयोग किया, इसमें सिवाय ये धरती को बर्बाद करने के अलावा या मानव को बर्बाद करने के अलावा दूसरा कुछ हम कर नहीं पाए। शायद है ये चीज सारा विज्ञानियों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, वो थोड़ा सा देरी से समझ में आ रहा है, जल्दी समझ में आता शायद है और भी अपन समृद्ध हो सकते थे और सुखी होने की रास्ता और भी अपने को मजबूत हो सकते थे। इस मुद्दे पर हमारा सोचना यह है आज की स्थिति में। तो ये सब घाट घाट के बाद ही समुद्र आता है,
अनेक घाट के बाद एक नदी में घाट आता है, अनेक घाट 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 के बाद एक समुद्र आता है, इसको मैंने पहचाना। शायद ही नियति यही रहा हो, पहले राशि में ही मैंने आदर्शवाद के बीच में आदमी को आना पड़ा, स्वीकारना पड़ा, उससे जो राहत मिला मिला, वो राहत मनुष्य को पर्याप्त नहीं हुआ, पुनः भौतिकवाद के शिकंजे में आ गए, उसमें जो राहत मिला मिला, वो राहत पर्याप्त नहीं हुआ, ये आज की दर्द की बात है और कोई बात नहीं। और ये दोनों जगह में से हम नहीं पाए, स्वाभाविक है तीसरे सीढ़ी की जरूरत है, ये तो सभी गणितज्ञों को भी पता लगता है, सामान्य व्यक्ति को भी पता लगता है। इस ढंग से जो उत्तर पाए, बंधन और मोक्ष का उत्तर ये बना, आदमी समझदार होता है तो बंधन से मुक्ति पाया, यहां आ गए हम। और समझदार हो कैसा, उसके लिए जब देखी हुई बात को यदि हम देखा, मुझ में क्या भ्रम है, कोई बंधन है, मुझ में मैं शोध किया, मुझ में मैं जांचा, तब पता लगा कि हमारे पास कोई बंधन का कारण कुछ भी नहीं दिखता। तो यही स्थिति सब में क्यों ना पता किया जाए, सब में पैदा करने पर कैसा लगेगा। तब ये पहले जैसा आपको सुनाया, भूमि स्वर्ग हो जाएगी, मनुष्य देवता हो जाएंगे, सभी धर्म सफल हो जाएगा, नित्य शुभ ही शुभ होगा, परंपरा के रूप में ही नित्य शुभ होगा, इस जगह में हम पहुंचे। इसमें हम अपने को फिर जांचने लगे, क्या हम ये सब संप्रेषित कर पाएंगे, संप्रेषित करना संभव है, या संप्रेषणा लोगों के लिए जरूरत है, ये सब उसके बाद शुरू हुए। तो मुख्य मुद्दा, मुख्य घाट, और जो मैं अपने में आश्वस्त हुआ, तो एक तरफ राज्य संविधान में मानवीय आचरण रूपी, मानवीय आचार संहिता रूपी चीज को समावेश कर सकते हैं, जिससे मानवीय राष्ट्रीय चरित्र प्रमाणित होगी। एक तो इस जगह में हम निश्चित हो, निश्चिंत हो, मैं स्वयं पारंगत हूं और प्रमाण भी हूं, तीनों चीज हमारे पास अधिकार में है, ठीक है। दूसरे वो समझदारी, अस्तित्व समझ में आ जाए, मुझको समझ में आया है, आपको समझा देंगे, और जीवन समझ में आ जाए, मुझको समझ में आया है और आपको समझा देंगे, मानवीयता पूर्ण आचरण मुझको समझ में आया है, आपको समझा देंगे, ये तीनों तथ्य यदि समझ में आता है, हम मैंने समझदार हुए। समझदार होने पर क्या हो गया भाई, समझदार होने से बंधन से मुक्त हो गए। क्या बंधन, भ्रम से, भ्रम रूपी बंधन से मुक्त हुए। पहले बुजुर्गों ने हमको क्या बताया, आवागमन से मुक्ति होगी, आवागमन से कोई कोई ताल्लुकात नहीं है, ना कोई गया है ना कोई आएगा, जो है सब कोई अस्तित्व में है, मरने की बात भी जीवन अस्तित्व में है, और जीते समय में शरीर को चलाते समय में भी जीवन है, और ये कोयला वो खाक होने की बात भी वो रहता ही है विभिन्न स्वरूपों में, ये लोहा को टुकड़ा टुकड़ा बुरादा बनाने की बात भी लोहा अपने स्वरूप में रहता ही है, या विभिन्न स्वरूप में मैं बट करके रहता है, ये भौतिक रसायनज्ञ इस बात को समझे भी होंगे, समझे नहीं होंगे तो मजबूरी समझेंगे, ये तो समझने के लिए सबको ही तो मजबूर है, समझना ही पड़ेगा। इस ढंग से समझदारी समझ में आता है, मूलतः वस्तु का नाश नहीं होता है, ये मुझको पूरा समझ में आया है। उसी आधार पर मैं ये मंगल कामना की है कि भूमि यदि स्वस्थ रहेगी, मानव जागृत परंपरा के रूप में जी सकता है, यही स्वर्ग होने, नित्य मंगल होने का आधार है। इस विधि से मैं जो मंगल कामना मुझ में, मेरे मन में उपजी, उसके समर्थन में पूरा अस्तित्व, जीवन और मानवीयता पूर्ण आचरण, ये तीन प्रधान मुद्दा है। इससे बड़ी उपकार यह होगी
धरती को बिना घायल किए पेट फाड़े, धरती को बर्बाद किए बिना मानव इस धरती पर चिरकाल तक इस धरती पर रह सकता है। उसका भी विधि इसी समझदारी से आती है। यह तो बात बहुत सुस्पष्ट है, आज तक की बीती गुजरी इतिहास से कुछ भी घटनाएं घटित किया है मानव ने अप्रत्याशित, वो सारे घटनाएं ना समझी से ही घटित हुई है और किसी कारण से घटित नहीं हुई। अभी धरती को जितने तंगाने की बात हुई वो भी इसी प्रकार ना समझी की कारण से ही धरती का पेट फाड़ा गया, धरती को बुखार, धरती में बुखार उत्पन्न किया गया, धरती के जिसमें सतह में अनेक प्रकार की विकृतियां तैयार की, नदी नाला ये सबको बर्बाद की गई, और हवा पानी में जो आदमी त्रस्त हो रहे हैं वो आप सबको विदित है। ये सब कष्ट से आदमी मुक्त हो सकता है या ये धरती को मुक्त करा सकता है, धरती मुक्त हो सकता है इस कष्टों से। धरती जब कष्टग्रस्त रहेगी, मेरे अनुसार धरती में रहने वाले समस्त वनस्पति, समस्त खनिज, समस्त जीव और मनुष्य सभी तंग होंगे ही। धरती को घायल करके आदमी स्वस्थ रहें ये इसका परिकल्पना कितने अच्छे लोग किए होंगे आप ही सोच लीजिएगा, वो आप ही के लिए काफी सोचने के लिए जुगाड़ भी है। अब इसके आगे की बात ये निकलती है शुभ की बात। यदि हम धरती को तंग करना बंद कर देते हैं, इसमें आश्वस्त होने की मुद्दा यही निकलता है कि धरती की सतह में जो संपदाएं अपने आप से बिखरा हुआ है इसी से इस धरती पर आदमी अच्छी तरह से जी सकता है। कब? गलती, अपराध, युद्ध, शोषण और मैंने द्रोह विद्रोह नहीं करना है। ये सभी चीजें, ये सभी घटनाएं अभी जैसा गिनाए आपको, द्रोह विद्रोह, शोषण, युद्ध, ये सब चीज मनुष्य की नासमझी का उपज है, ये समझदारी का उपज नहीं है। उसका गवाही यही है, मनुष्य असंतुलित, धरती असंतुलित, नदी नाला पहाड़ असंतुलित, वन खनिज सब असंतुलित होना ही इसका गवाही है। जो हम मानव विज्ञान युग के बाद ये सब कर गुजर चुके हैं तो उसके बाद भी हम डिंग हाँकने में अभी तक बाज आए नहीं। सोचते हैं हम विज्ञान से ही अच्छा ठोर पाएंगे, जबकि ये धरती से आदमी जात कूच होने की जगह में आ चुका है। ये आदमी को याद रखने की वस्तु है, इस पर ध्यान देने की बात है। जब कभी ये इससे बचना चाहता है आदमी को समझदार होना ही होगा, दोषा कोई ठोर नहीं है। ना समझी से अपराधों का रोकथाम होता नहीं, चाहे राष्ट्रीय विधि से, राष्ट्र संविधान कुछ भी विधि से अपराध करता हो वो अपराध का मतलब अपराध ही है। जैसा सहज रूप में अभी धरती के छाती पर जितने भी राष्ट्र कहते हैं सभी राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, सभी संविधान में तीन महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक वचन है। क्या है वह महावाक्य? वो है शक्ति केंद्रित शासन। शक्ति केंद्रित शासन का जो व्याख्या है, गलती को गलती से रोकना है, अपराध को अपराध से रोकना है, युद्ध को युद्ध से रोकना है, यही तीन कर्म है। इन तीनों कर्म में कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है हम अपराध से मुक्ति पा गए या गलती से मुक्ति पा गए या युद्ध से मुक्ति पा गए। ये तीनों चीज अपने आप में हर दिन, हर मास, हर वर्ष, हर शताब्दी और मजबूत होती जाती है। युद्ध की मजबूती, अपराधों की विफलता, गलतियों की कतार, यही इतिहास में भरी हुई है, पन्ने रंगे हुए हैं, ये गवाही है। इन गवाहियों के साथ यदि हम इसका समाधान खोजते हैं, इसके मूल में इन सभी इस परिस्थितियों को बनाने वाला केवल आदमी ही है, ना तो पत्थर बनाया है, ना जीव बनाया है, ना वनस्पति बनाया है, केवल आदमी ही
ये तीन प्रकार की जो कर्म शुरू किया वो उस कर्म को आदमी ने ही शुरू किया। और महत्वपूर्ण बात ये भी है तो धर्म संविधान, संपूर्ण धरती की जितने भी धर्म संविधान हैं इसमें यह मानी गई है आदमी जो है मूलतः पापी अज्ञानी स्वार्थी होता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है। तो पापी को उतारने के लिए और अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए और स्वार्थी को परमार्थी बनाने के लिए सभी धर्म संविधान अपने अपने ढंग की युक्तियां और चरित्र कर्तव्य दायित्व कुछ भी कर्मकांड कुछ भी बनाया है। यह भी एक बहुत ही स्पष्ट तथ्य है, गुजरी बीती हुई जो परिणाम है तो अभी तक कोई अज्ञानी ज्ञानी हो गया ये मानव जाति को, मानव जाति ने किसी ने किसी को पहचाना नहीं है। और स्वार्थी परमार्थी हो गया ये भी हमको प्रमाण नहीं मिला, और अज्ञानी ज्ञानी हो गया ये भी नहीं हुआ, और पापी पाप से मुक्त हो गया ये भी नहीं मिला। मैं आपको इसके पहले कुछ बताया था, समाधि समय पर्यंत तक साधना है। साधना काल में मनुष्य में वैचारिक उद्दोलित होना, वैचारिक रूप में पूर्णतया समाधानित होना बना ही नहीं रहता, क्योंकि समस्या की पीड़ा से तो पीड़ित होकर के समाधि की ओर दौड़ता है। ये बात आपको विदित कराई थी। इस विधि से इससे ज्यादा तो कोई आदमी होता नहीं है, समाधि के लिए प्रयत्न करते तक ही आदमी का ऊंचाई दिखाई पड़ती है। इन ऊंचाई में वैचारिक संतुलन बना रहता है ऐसा कुछ देखा नहीं गया साधना काल में। साधना काल में मनुष्य को तमाम प्रकार की उठपुटांग बात आता ही है, समाधि के बाद वो शमन होता है, ये बात सच्ची है। समाधि के बाद उसके साथ ये भी हो जाती है कि समाधि के पश्चात मनुष्य को कुछ करने की इच्छा होता नहीं और कुछ पाने की इच्छा होता नहीं, कुछ रखने की इच्छा नहीं होती है, तीनों नहीं होती है, ये भी बात देखी गई। उसके बाद आप हमसे पूछेंगे आपको कैसा इच्छा हुआ ये सब चीजें तैयार करने के लिए। मैंने आपको पहले से ही विनय कर चुका हूं, जो मैं जब सोचा वाकई में मुझको समाधि हुआ कि नहीं हुआ है, जब क्योंकि हम मुक्ति के लिए तो हम शुरू किए ही नहीं थे और स्वर्ग जाने के लिए हमारा कोई इच्छा नहीं रहा, तो हम केवल हमारा प्रश्न पाने के प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए दौड़े थे, वो मिला नहीं, उस स्थिति में मैं समाधि हुआ नहीं हुआ इस बात को परिशीलन करने के लिए शुरुआत किया। वो परिशीलन विधि में ये सब चीज सौभाग्य मानव के पुण्यवश मानव के भविष्यवश मानव के मैंने सर्वशुभवश सर्व कल्याणवश ये बात निकल के आ गए। ये किताबों से नहीं निकला है, ये बात सच्चाई है। किसी बुजुर्गों ने हमको यदि मार्गदर्शन किया है, आप पुरुषों ने, वो इतने ही है, समाधि से ही ये सब का उत्तर मिलेगा। समाधि मुझको हुआ नहीं हुआ इसी को प्रमाणित करने के लिए हमने संयम किया, संयम के बलबूते पर ये तमाम बातें निकल गई जो आपके पास तक पहुंचाने के लिए योग सुयोग बन गए। ये क्यों बना पूछने पर यही मिलता है, ये पहले भी बताया था, ये तरंगवत है सारा समझदारी मानव का। पहले जंगल युग में और शिला युग में धातु युग में जैसा ही जिया, ये सब इतिहास में लिखी हुई है। जैसा ही राजयुग आया, कविला युग ग्राम युग से राजयुग जैसे ही आया तो काफ़ी लोगों ने राहत पाया, राजा जान माल का रक्षा करेगा, जबकि वो चीज़ अभी तक हुआ नहीं, जान माल की रक्षा हुआ नहीं है, अमन चैन तो बहुत दूर है। ये दो बात को सोचा गया था, ना तो अमन चैन के बारे में हम आश्वस्त हुए हैं, नहीं ये जो जान माल की रक्षा होती है इसमें भी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए। तो हर परिवार हर समुदाय इसी बात के लिए चिंतित रहता है कैसे जान माल का रक्षा किया जाए और अमन चैन से जिया कैसे जाए, इसको अभी तक ही समुदाय तक ही मनुष्य सोच पा रहा है।
ये स्थिति सबको विदित है। इन तथ्यों को हम ध्यान में रखने पर पता लगता है ये जो आदर्शवादी सीढ़ी लगी जिससे लोगों को जो कुछ भी राहत मिली तत्काल, और जो वो राहत कुछ काल के बाद पर्याप्त नहीं हुई, ये पुनर्स्मरण दिला रहे हैं। पुनः जब अपर्याप्त हुआ स्वाभाविक था, पुनः विचार हुई, विचार के रूप में पुनः ये विज्ञानवाद आया, तो तर्कसम्मत विधि से आया, उसमें एक को भी लोगों को स्वीकृत हुई। पहले उपदेशवाद में तर्क का कोई गुंजाइश नहीं थी, करो ना करो बात थी, करो ना करो में ना मानने वाले बात आदमियों को ना पापी, उनको पापी करार देते रहे, उनको जितना प्रताड़ित करना है वो भी करते रहे, वो सब इतिहासों में लिखा है। उसके बाद उससे ये निकला जो आदर्शवाद की जितने भी करो ना करो है वो सामान्य व्यक्तियों के लिए, किसी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं हुआ, इसीलिए उसका विकल्प के लिए कुछ सोचा गया। सोचने पर विज्ञानवाद आ गया, विज्ञानवाद आ गया तो एक दावा किया तर्कसंगत विज्ञान, तर्कसंगत भौतिकवाद, ऐसा कहा, इसी को विज्ञान कहा गया। तर्कसंगत तर्क के लिए जब आमंत्रण हुई, लोगों में एक राहत मिली, हम कम से कम हमारा मन की बात तो पूछ तो सकते हैं, इस विधि से आदमी उस ओर दौड़ गया। दूसरा, जो हमको जो कुछ भी वैभव मिलना था, सुख मिलना था, वो स्वर्ग में मिलना था, वो यहीं मिलने लग गए, इसीलिए भी दौड़ लिए। इस ढंग से दो विधि से आदमी विज्ञान और विज्ञान की उपलब्धि की ओर दौड़ा। उसको भी खूब चख लिया आदमी काफ़ी ढंग से, बचा कुचा होगा तो चख भी लिएगा। ये चलते मनुष्य को आज ये पता लग गई विज्ञान की उपलब्धियाँ मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। इस पर्याप्त नहीं है ये सो झंझट फंसी और उससे कैसा उभरा जाए। अभी तो आदमी झूलता ही रहता है, एक विरक्ति की ही बात करते हैं, भक्ति की ही बात करते हैं, दूसरे ओर संग्रह सुविधा की ही बात करते हैं। संग्रह सुविधा से जब त्रस्त होते हैं भक्ति विरक्ति की ओर हम दौड़ते हैं, भक्ति विरक्ति से जब पैर ठंडा हो जाता है तो संग्रह सुविधा की ओर दौड़ लेते हैं। इस प्रकार से हम अपने हाथ पैर गर्म करने के लिए ये झूले में झूलते ही रह जाते हैं, और दोनों सुनने में अच्छा ही लगता है। जो अच्छा लगना अच्छा होने में कितना दूर है अब हर व्यक्ति अपने में सोच सकता है। अच्छा लगने मात्र से अच्छा होता नहीं है, ठीक है, जैसा ठंडा पानी पीने से अच्छा लगता है, ठंडा पानी पीने से अच्छा होना है ऐसा कोई नियम नहीं है। ठंडा पानी से आदमी को रोग हो सकता है, खांसी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, जैसा मैं खांसता हूँ कभी कभी, ये सब बातें हो सकता है। तो उसके बावजूद भी आदमी को ठंडा पानी अच्छा लगता है, किसी किसी को, किसी किसी को ठंडा पानी अच्छा लगवे नहीं करता है, अब क्या करें। ठंडा पानी के अच्छा लगना कोई सार्वभौम नहीं हुआ, ठंडा पानी का अच्छा ना लगना भी कोई सार्वभौम नहीं हुआ, दोनों स्थितियों में पानी के आधार पर अच्छा हो गया ये निर्धारण करना, निश्चय करना और उसके ऊपर आदमी को भरोसा दिलाना, ये कभी बनने वाला नहीं है। जब जैसा चाहता है वैसा पिएगा भाई, जब अच्छा लगता है, जब जो अच्छा लगता है वही खाएगा वही पिएगा, यही हम पहुंचते हैं। इस ढंग से हम एक अस्थिरता अनिश्चयता की ओर चले जाते हैं। विज्ञानवादियों ने इस बात को अपनाया है। तो केवल खाना पीना ही नहीं भाई, जो कुछ भी आप देखते हो सब अनिश्चय अस्थिर है, वो ऐसा बताने के लिए अपना तर्क जोड़े, उसी की पुष्टि के लिए सब कुछ किया। अंतर्गतवा त्राण प्राण, विज्ञान का त्राण प्राण मनुष्य को एक यंत्र के रूप में व्याख्यात करने की कोशिश किया, वो अभी तक सफल नहीं हो पाया। वही विज्ञानी जिसको यंत्र के रूप में व्याख्यात करता है वो स्वयं उससे संतुष्ट रहता नहीं है, तो बाकी लोगों को व्याख्यात करके बताना ही चाहते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी भारी मुद्दा मानी जाती है, मनुष्य को यांत्रिक विधि को बिल्कुल पूरा समझना चाहिए, तो तभी आदमी जो है व्यवहार के
व्यवहार में स्पीड, विचार में स्पीड, कार्यों में स्पीड, सब में पाप आता है, ऐसा सोचते हैं। जब भी आदमी उस सीमा में आता नहीं तो संवेदनशीलता यांत्रिकता, इन दोनों के पक्ष में से विज्ञान के अनुसार यांत्रिकता सटीक है, इसमें आदमी इसको आदमी समझ सकता है, झेल सकता है, संवेदनशीलता को ना समझ सकता है, झेल नहीं सकता है, जो आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता की वकालत की थी। वह वकालत करते हुए में भी वो जो दूरियां थी, जो वो समझ सकता है ये समझ नहीं सकता है, ये झंझट थी, वो बरकरार रहे। इसीलिए एक के बाद एक समस्याएँ जकड़ते गए। हम समस्याओं के कगार में ही, मैंने कतार में ही पैदा होते हैं, समुद्र में ही शरीर यात्रा शुरू करते हैं, वही समस्या के सागर में ही पुनः शरीर यात्रा को समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर के इस ढंग से हमारा स्थिति बनी। अभी जो मानव जाति के, मानव कुल के सम्मुख जो मैं जो एक प्रस्ताव रख रहा हूँ, ये मानव कुल का ही पुण्य है, ऐसा पहला मेरा स्वीकृति है। हमारा व्यक्तिगत रूप में हम जो कुछ भी परिश्रम किए उसका हम मूल्यांकन करता हूँ, वो इतने बड़े फल के योग्य नहीं है। हम जितना परिश्रम किया वो परिश्रम को, परिश्रम का यदि नापदंड तय किया जाए, मैं अपने में तो करता ही हूँ, जितना परिश्रम किया उतने में जो हम फल पा गए वो फल जो है इतना फल के योग्य नहीं है, इतना बड़ा फल के योग्य नहीं है। जैसा उसका एक अलंकारिक रूप में एक वैसे ही एक सोचने की बात है, तो एक बिही का झाड़ हो, एक जामुन का झाड़ हो, एक और कोई छोटे छोटे फल फलने वाली बात हो, अथवा नारियल का झाड़ हो, तो उस झाड़ में, एक झाड़ में यदि 1,000 टन की एक फल फल जाए, वो झाड़े नहीं रहेगा, वो तो असंभव सा लगता है, तो एक झाड़ के लिए ये उपयुक्त है ही नहीं, ऐसा लगता है। उसी भांति बिही में एक बिही का झाड़ हो, 1 टन की एक बिही फल जाए, वो तो झाड़े टूट करके बराबर ना हो जाएगा, ऐसा देखा जा सकता है, कल्पना ऐसे ही दौड़ता है। उसी भांति हमारा भी साथ ऐसे ही ये घटना है, हमारा परिश्रम से अधिक बात, ये परिश्रम से अधिक बात को कौन दोहराता है भाई, ये बात इसमें मुख्य है। तो मनुष्य में जो परिश्रम से अधिक फल को कौन दोहराता है, ये बात आता है, उसको हम सटीक देखा है, जीवन दोहराता है, जीवन ऐसे फल को लेकर चलने में समर्थ है। कैसे, जीवन को हम अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा है, आपको अभी अध्ययन कराते हैं।